हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वो रिलेटेड टू म्यूचुअल फ़ंड है। हम लोग बहुत सारे लोग अभी शेयर मार्केट में म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू इन्वेस्ट करने लगे। मोस्ट ऑफ़ द मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, तो उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो म्यूचुअल फ़ंड का सहारा लेते हैं। तो अभी होता क्या है कि जब हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। कभी DSP म्यूचुअल फ़ंड, कभी रिलायंस म्यूचुअल फ़ंड, कभी लिक्विड फंड्स, कभी डेब्ट फंड्स, या फिर कभी कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, या फिर कोई पॉलिसीज़ है, एक्सेट्रा। तो ये सब इन्वेस्ट करते करते हम उसका ट्रैक खो देते हैं। उन लोगों के लिए ठीक है जो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह के पास जाते हैं, या फिर कोई एजेंट के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो उनका ट्रैक, तो वो एजेंट कुछ पैसे लेते हैं मंथली या फिर पर्टिकुलर फीस, तो फिर वो लेके वो उनका ट्रैक रखते हैं और उनको एडवाइस वगैरह सब देते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र। मगर जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो खुद जाके डायरेक्ट म्यूचुअल फ़ंड बाय करते हैं या फिर किसी पोर्टल जैसे कि ज़ीरोधा, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, वहाँ से बाय करते हैं, तो उनको उनके इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रखने के लिए उनके लॉगिन में जाना पड़ता है। और फिर उसके अंदर भी परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, हर जो ब्रोकरेज है उसके पोर्टल में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे पोर्टफोलियो को ट्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन सब पे एक सॉल्यूशन है जो आपके ईमेल बॉक्स में हर महीना आपको आ जाता है, उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। ये क्या mycams करके ऑर्गेनाइजेशन है, NSE ओन्ड या फिर NSE सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लगभग 14 या फिर उससे भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है। और बहुत सारे जो एजेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके बीच में इंटरमीडिएटरी काम करते हैं, पोर्टल प्रोवाइडर टाइप। तो वो लोगों के वो हर महीना आपको एक रिपोर्ट भेजते हैं जिसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अंदर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और एक सैम्पल कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, तो मैंने एक CS रिपोर्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है। यहाँ पे डिटेल्स थोड़े फ्लैग किए हुए, मैंने कवर किए हैं। एक मुझे सैम्पल ये मिला हुआ था, तो ये यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फ़ंड कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। इसमें पीरियड रहता है कि ये कब से कब तक का ये कर रहा है। ये मोस्टली मंथली होता है, अगर आप चाहिए तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको निकाल भी सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, जिसके वजह से इनको देना ये मैंडेटरी हो गया है। तो SEBI ने एक मैंडेट लाया था कि जिसके वजह से उन्होंने मैंडेट किया था कि जितने भी वैलिड पैन अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कंसोलिडेटेड उनके सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वो पोर्टल के थ्रू किए गए, उसकी डिटेल्स उन्हें हर मंथ भेजने पड़ते हैं रिस्पेक्टिव RTA के हिसाब से। तो जो भी म्यूचुअल फ़ंड अगर mycams के थ्रू ऑपरेट नहीं कर रहा या फिर उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको इंडिविजुअल जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उनके जो रिलेटेड RTA है उनसे ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आ जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर का नाम यहाँ पे होता है, उसके बाद में जो ट्रांजैक्शंस उस महीने में हुए। इस कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का एक लिमिटेशन ये है कि उस महीने में अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। उसके लिए आपको अलग से खुद से निकालना पड़ता है CAMS के साइट पे जाके, मतलब वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करके जिसके अंदर ज़ीरो फंड वैल्यू है वो सब ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको डेड्यूस करना पड़ेगा रिपोर्ट और उसमें चेक करना पड़ेगा। मगर मोस्टली जो फंड होते हैं उनके अंदर मंथली डिविडेंड वगैरह कुछ ना कुछ या फिर इन्वेस्टमेंट चेंजेस होते हैं, तो इसके अंदर आपको बेसिक आपके पोर्टफोलियो की आइडिया आ जाती है। और बहुत सारे जो अभी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट रिपोर्ट आ रहे हैं उसके अंदर समरी भी होती है। तो यहाँ पे ये जो मेन ऊपर सपोज़ अभी यहाँ पे लिखा हुआ है रिलायंस म्यूचुअल फ़ंड, तो कौन सा म्यूचुअल फ़ंड है, उसकी कितनी होल्डिंग है, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोड ऑफ होल्डिंग, फोलियो नंबर, KYC किया हुआ है कि नहीं, वगैरह 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 सब डिटेल्स इसके अंदर होता है। और आपके ट्रांजैक्शंस की समरी भी होती है। तो ये एक सिंपल वन पेज मैंने दिखाया हुआ है, एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, जितने आपके ट्रांजैक्शन आपने किए होंगे तो वो हिसाब से उतने उसमें रिफ्लेक्ट होंगे। और ये आपको कौन भेजता है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक
क्वेश्चन है। तो ये अगर आप कैम्स ऑनलाइन अगर ये आपको कौन बेचता है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है या फिर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बॉन्ड्स होल्डिंग सब देखने हैं आपको और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के देखने हैं, तो उसका एक तरीका है आप गूगल या याहू पर सर्च कर सकते हैं कैम्स ऑनलाइन करके, या फिर जो भी आपकी रिस्पेक्टिव आरटीए एजेंसी है उसका नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन होता है। ये 30 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे अबाउट कैम्स में इन्होंने कुछ इनके बेसिक डिटेल दिए हुए कि ये ट्रांसफ़र एजेंसी काम करके काम करते हैं एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं जैसे कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़, और ये बिजनेस टू बिजनेस भी सर्व करते हैं। इनके बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली आप इनके होम पेज पे जाके इन्वेस्ट की जो लिंक है वो ओपन करके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके थ्रू, तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा, हम बेसिक बैक टू अकाउंट स्टेटमेंट पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टर SIP शुरू करना, अलग जो ऑप्शन है वो आपको कैश पे क्लिक अकाउंट स्टेटमेंट में, तो आप स्टेटमेंट टाइप करंट फाइनेंशियल प्रीवियस फाइनेंशियल आईडी जो पासवर्ड आपको रख ईमेल आईडी में आपको जिसके अंदर आपके सारे आरटी एजेंसी उसके अंदर, तो एक हाथ दूसरे जो भी फंड्स इसके अंदर थ्रू आप कैम्स रिक्वेस्ट करके या फिर आपका म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर के कस्टमर केयर पे कॉल करके अगर आप उनको बोलते हैं कि मुझे कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए मेरे पोर्टफोलियो का, तो वो आपको भेज देंगे और उसके अंदर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपका ब्रोकर सपोज़ कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है या फिर उसके अंदर कुछ मिसमैच है, आप जो पैसे डाल रहे हैं उसके यूनिट्स बाय हो रहे हैं कि नहीं वो तो आपको SMS से पता चल जाता है, मगर एक रिपोर्ट से जो कि म्यूचुअल फंड से कनेक्टेड कंपनी नहीं है, कनेक्टेड एजेंसी नहीं है, तो दूसरी एजेंसी से थर्ड पार्टी टाइप आपको एक रिपोर्ट का ओवरव्यू मिल जाता है। इससे आपको एक वेरीफिकेशन करने को जगह मिल जाती है, साथ में आपको ये सारा रिपोर्ट कंसोलिडेटेड मिल जाता है, तो वो एक फ़ायदा होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसके अंदर सारे कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं और ये जो रिपोर्ट आता है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है मोस्टली, तो पासवर्ड जो है आपका पैन नंबर होता है, तो उसके वजह से इजी पड़ जाता है आपको चेक करना, आपको ज़्यादा बाकी जगह पे जैसे आपको ब्रोकरेज का अकाउंट नंबर उसके बाद पासवर्ड ये वो सब याद रखना है, तो ये एक सिंपल रिपोर्ट जो कि आपकी ईमेल आईडी में हर महीना आता है, सिर्फ आप इसको ओपन करना है, आपको चेक करना है आपके पोर्टफोलियो में कुछ रिशफल हो रहा है, कोई डिविडेंड आ रहा है या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो आप इससे खुद को अवेयर भी रख सकते हैं और आप पता भी कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में एक जगह पे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये सब था कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में। आज के निफ्टी के बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा, मेरा कुछ ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। तो निफ्टी आज मोस्टली 10,800 का जो उसका लेवल था वो उसने ब्रेक कर दिया और 10,780 तक आके वो रुक गया। तो अगर 6 मंथ का ग्राफ देखेंगे तो ये मोस्टली उसी रेंज के लोअर एंड पे है, अप एंड डाउन मोमेंट्स कंटिन्यू जहाँ पे हो रहा है पिछले 6 महीने से, तो उसके लोअर एंड पे आज मोस्टली HDFC से निफ्टी को सपोर्ट आया था, मगर बाद में जो रिलायंस में बीच के डे के बीच में जो राइज हुआ था वो बाद में चला गया और फिजल आउट हो गया उसका सपोर्ट। साथ में बाकी क्रूड ऑयल का प्राइस $63 के ऊपर जाने के वजह से जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज है जैसे HPCL BPCL उन पे लगभग 2-3% का दबाव था, तो जिसके वजह से निफ्टी को उसने लोअर साइड में ड्रैग किया। तो लेट्स सी कि अभी कल जब मार्केट खुलेगा तो कैसे परफॉर्म करता है। तो ये था निफ्टी के बारे में और कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, चैनल वीडियो को लाइक अपोर्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग, शेयर मार्केट फ्रेंड.